गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो बिल्कुल फाइनली यहाँ पर से जो हम लोग का बैनर थे यहाँ पर से FF2020 5 Days Party फाइनली यहाँ पर से हम लोग की इवेंट जो ओपन हो गया, यानी कि इसका जो पेज ही स्टार्ट हो चुका है और फाइनली यहाँ पर से हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा। तो फाइनली हम आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट बताने वाले और साथ ही थोड़ा सा आपको मतलब बात बताने वाले जो जिससे आपको इस इवेंट के दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना आपको जो चांसेस है वो आपका मिस हो सकता है और आपको यहाँ पर से ये सब रिवार्ड जो आपको वहाँ से मिस्टेक से गलती से आपको यहाँ पर से छूट सकता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा और उससे पहले बता दें कि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट या फिर फर्जी टिफिन होता है टोटल आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लें यहाँ से हम लोग इवेंट की, डीजे आलोक के कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इवेंट की। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पार्टी इवेंट, तो यहाँ पर सबसे को दिख रहा है, यहाँ पर सॉलिड बताने को उतना ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं हिंट बताने वाला हूँ इसमें कि आपको ये गलती नहीं करना है। तो यहाँ से 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक यहाँ से आपको जो इवेंट है वो आपका स्टार्ट होगा। एंड गाइस, ध्यान पर रखिएगा कि यहाँ से आपको इवेंट का जो टाइम है इसमें टाइम भी दिया गया है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको 5.5 यानी कि इंडिया का जो GTM होता है ना, GMT, तो यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको ध्यान पे रखना है कि आपको एवरी डे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको ज्ञान गैप को प्ले करना है। तो मैं इसी बात पे मतलब इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये गलती मत करना भाई, क्योंकि यहाँ पर से लिखा हुआ है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आपको गैम प्ले करना होगा। तो यहाँ पर से बहुत सारे लोग होंगे, क्या करेंगे वो सुबह को देखेंगे, यहाँ पर से मिशन का ऑप्शन ही नहीं रहेगा और वो यहाँ से गैम प्ले करेगा, जो भी वहाँ पर से मिशन दिया जाएगा वो पूरा करने की कोशिश करेगा बट उसको यहाँ पर से कम्प्लीट नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा, चला जाएगा क्लास। क्लास जाने को तो वो 3 बजे आएगा, फिलहाल तो अभी से छुट्टी वुट्टी चल रहा है। तो आप लोग बताने कि आप लोगों के वहाँ जो सीज़न है वो किस टाइप का, और यहाँ पर से आप लोगों के स्कूल में अभी छुट्टी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर क्रिसमस को लेके हम लोगों के इधर जो है लगभग 1 वीक का छुट्टी मिल चुका था, तो फाइनली बताइएगा। तो यहाँ से आपको डेली यहाँ पर से एवरी डे 1 तारीख से लेकर मतलब 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक यहाँ से आपको 1 बजे से लेकर 4 बजे तक डेली गेम प्ले करना होगा, जहाँ पर आपको लिखा हुआ फ्री परमानेंट प्राइज एवरी डे। तो आपको डेली यहाँ पर से आना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं जो 1 जनवरी को आपकी ये वाला जो गन की स्किन है ये आपको मिलेगी, एंड आपको 2 जनवरी की ये जो प्राइस छूट है आपको ये वाले मिलेगी, एंड 3rd को आपको ये वाली इमोट जो है ये मिलेगी, 4th को आपको यहाँ पर से ये वाला मिलेगी, 5th में आपको यहाँ पर से जो ब्लू प्रिंट है और यहाँ पर से जो क्या बोलते हैं इसको एवोल्यूशन स्टोन, ये दोनों 5 जनवरी को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान पर रखिएगा भाई कि आप लोगों के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आपको यहाँ पर से डेली गेम प्ले करना होगा। एंड गाइस, बात कर लें यहाँ से इस चीज़ की, इस टोकन की इवेंट की, यहाँ से आप देख पा रहे कंप्लीट ऑल मिशन, तो यहाँ से आपको मतलब 5 टोकन मिलेगा और 5 टोकन के साथ साथ यहाँ पर सबको जो 20 डायमंड रॉयल वाउचर और 20 वेपन रॉयल वाउचर, जो कि बहुत बड़ी संख्या भाई, अभी तक गरीना ने इतना बड़ा इवेंट नहीं दिया है कि इतना सारा चीज़ जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनल न्यू ईयर में यहाँ पर से इतना सारा आइटम जो दे रहा है, तो 20 डायमंड रॉयल वाउचर 20 वेपन रॉयल वाउचर, मतलब मेरे को थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगा यहाँ से कि भाई इतना ज़्यादा कैसे दे रहा है, मतलब इतना दिन जो दिया तो वो तीन से ज़्यादा तो मैंने अभी तक देखा नहीं कि यहाँ पर से 3 से ज़्यादा जो यहाँ पर से टोकन किसी में भी दिया है, बट यहाँ पर से आपको फाइनली 20 20 टोकन आपको मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और यहाँ पर से आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों का मतलब ये जो इवेंट है कैसा लगा, या फिर इसके जगह पर फ्री इलाइट पास देता है वो आपको अच्छा लगता है या फिर ये वाला सही है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है अगर ओवरऑल मिलाया जाए तो फ्री इलाइट पास से ज़्यादा ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि इस इन जितना यहाँ पर से हम लोग आइटम्स है इस रिवार्ड को अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो इसके लिए हम लोग बहुत सारा डायमंड 2000 3000 डायमंड यहाँ पर से हम लोग को वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग इतना सारा रिवार्ड जो आपको हम लोग यहाँ पर से मिलेगा। बट यहाँ पर से अगर इलाइट पास मिलते वो तो भाई 500 डायमंड का ही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं चलेगा भाई इतना सा। तो ये तो हो गया हम लोग के यहाँ से इवेंट्स की बात। एंड गाइस, यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है जो आप लोग यहाँ पर से किल 5 इन रैंक मोड, तो यहाँ से ये जो इवेंट आपको स्टार्ट होगा वो 1/1/2020 यानी कल यहाँ पर सबको गेम प्ले करना होगा। ध्यान में रखिए यहाँ पर सबको दिख रहा है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको गेम प्ले करना है, तभी आपको ये चीज़ मिलेगा। तो बस यही गलती आपको नहीं करना है कि आपको यहाँ से मॉर्निंग में गेम प्ले करना है और आपको यहाँ पर से काउंट नहीं होगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर से हम लोग काउंट तो हो ही नहीं रहा है, चले जाओगे आप वहाँ पर से इधर उधर, फिर रात में गेम प्ले करोगे पता चलेगा आपका इवेंट जो है यहाँ से मिस हो गया। तो ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा भाई लोग। तो फाइनली ये चीज़ यहाँ से हम लोग ये जो बातें यहाँ पर मतलब जो इवेंट की बात है मैंने आपको बता दिया। एंड गाइस, चलते हैं हम लोग यहाँ पर से कहाँ पर भाई, चलते हैं हम लोग स्टोर पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर से स्टोर पे एक न्यू इवेंट आया है, न्यू इवेंट का मैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यहाँ से जो इवेंट तो आप लोग देख ही ले भाई, बताने की भी जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा भाई मेरा मतलब मेरा काम होता है भी बताना, सॉरी भाई, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग ठंड लग रही है, आप लोग बताने कि आप लोग इधर ठंड जो है कैसा है। मेरे इधर बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा है, 12 बजे 1 बजे धूप निकलती है, उससे पहले जो बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल कोहरा ही कोहरा होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का वेदर है उस टाइप को उधर
किस टाइप का और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइस आप देख पा रहे हैं ये जो बंडल है, दोनों बंडल आपको यहाँ पर से 199 डायमंड, ओनली आपको 199 डायमंड में आपको यहाँ पर से मिल रहा है न्यू ईयर बंडल्स। तो ये पिछले साल 2019 में आया था, तो 2020 में इन लोगों को यहाँ पर से न्यू बंडल देना चाहिए था, बट गरेना ने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर से 2020 में न्यू बंडल नहीं दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके जो आगे बॉडी में है यहाँ पर भी 19 लिखा हुआ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से इसका 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फीमेल वाला में शायद है, हाँ इसमें तो डायरेक्टली 2019 लिखा हुआ है, बट 2020 में भी देना चाहिए था भाई, बट गरेना ने यहाँ से दिया नहीं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई कि यहाँ से ओल्ड वाला बंडल यहाँ पर से डिस्काउंट में दिया जा रहा है। 85% का आपको यहाँ पर से डिस्काउंट देखने को मिल जाती है इस बंडल के दौरान। एंड का जब हम लोग बात करें मेन चीज़ की जिसको देख के आप लोग ज़्यादातर आए हैं, तो वो है हम लोग के डीजे आलोक का कैरेक्टर। तो डीजे आलोक के कैरेक्टर की बात करें तो उसका जो हम लोग के अभी जो प्राइस है स्टोर पे, वो हम लोगों का 599 डायमंड है, ठीक है, 599 डायमंड। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक बैनर देख पा रहे हैं जहाँ पर से लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर से एक इवेंट आएगा जिसमें आपको 88% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको आप 599 डायमंड को 599 डायमंड में अगर आप 88% अगर डिस्काउंट करते तो लगभग आपको यहाँ पर से 71 या 72 डायमंड का सस पड़ेगा। तो अगर ये वाला इवेंट इंडिया में आता तो मतलब मत कहते इस जहर वाली बात हो जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारे लोग हैं जो इसके पास 100 डायमंड 200 डायमंड पड़ा हुआ रहता है, वो यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ से ले लेगा बेहतरीन तरीके से, बट उसको 88% का डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उसके लक पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें कुछ स्पिन करने का सिस्टम दिया जाएगा जहाँ पर से आपको स्पिन करने से आपको कितना भी चांस आपको निकल सकता है, या फिर स्टोर पर आपको इतना परसेंट तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। अगर इस टाइप का डिस्काउंट आ जाता है तो यहाँ पर से बहुत सारे लोग यहाँ पर से जो डीजे आलोक का करेक्टर है वो सियोरली लेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास डीजे आलोक का करेक्टर है और जिसके पास नहीं है। तो ये चीज़ अगर आती है 88% डिस्काउंट के साथ, तो आपको जो डायमंड पड़ जाएगा वो लगभग 71 या 72 डायमंड आपको पड़ जाएगा, या फिर ऑफरऑल अगर मतलब गरीना अगर डायरेक्टली डिस्काउंट देगा तो आपको 99 डायमंड में आपको डीजे आलोक का करेक्टर देखने के लिए मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर, कन्फर्म मत मानिएगा, बट आ सकता है, यहाँ पर से मैंने आपको बैनर पर दिखा दिया। एंड गाइज नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ सब देख पा रहे कलाहारी मैप के लिए आपको यहाँ पर से मिशन दिया जाएगा, जहाँ पर से मिशन कंप्लीट करने के साथ साथ आपको यहाँ पर से विंटर लैंड वाली एक एक जो स्किन है वो आपको देखने के लिए मिलेगी परमानेंट। एंड गाइज यहाँ पर से आपको ग्लोबल की स्किन जो मिलेगी, ग्लोबल नहीं भाई क्या बोलते उसको, ग्रेनेड की स्किन, तो यहाँ पर से आपको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए या फिर आपको परमानेंट मिल सकती है। तो इसके लिए आपको मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर से जो ये सब आपको चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइज बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो निकल गई थी इमोट्स को लेकर, तो यहाँ सब देख पर ये वाला जो इमोट आपको देखने के लिए मिल रहा है जो आपको 350 डायमंड के टॉप अप पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फाइनली आप लोग बताइए कि ये जो इमोट है किस टाइप का, मेरे को उतना कंप्लीटली समझ में नहीं आया, तो आप लोग बताइए कितने लोग हैं जिसके पास ये वाला इमोट ऑलरेडी है और किस किस के पास यहाँ पर से नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं ये इमोट किस टाइप का है। अब 350 डायमंड के टॉप अप में देगा तो ये मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, बट चलने लायक है। उसके तो बात करें ऐसे नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट निकल के आते हैं रिचार्ज इवेंट को लेके, यानी कि जो टॉप अप इवेंट है उसको ही लेके। तो यहाँ पर से 1 डायमंड के टॉप अप पे आपको यहाँ से मिल जाएगी जो इनक्यूबेटर का वाउचर होता है वो आपको देखने को मिल जाए एक। एंड गाइस नेक्स्ट में बात करें 300 डायमंड का टॉप अप, तो 300 डायमंड के टॉप अप पे आपको यहाँ पर से जो पेट की स्किन है आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो पेट का स्किन है वो स्किन है भैया इमोट, पेट का जो इमोट है आपको वो देखने को मिल जाए। अभी जो हम लोग चल रहा है वो हम लोग चल रहा है, बट इस टाइप का वो इमोट नहीं है, वो दूसरा वाला इमोट है, बट यहाँ पर सबको दूसरा वाला इमोट आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट ये थोड़ा सा लेट से आएगा। एंड की बात करें ऐसे नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ से आप देखो 500 डायमंड के टॉप अप पर आपको ये जो बैकपैक की स्किन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो रैबिट वाला है ना रैबिट वाला, तो यहाँ पर से आपको ये जो बैकपैक की स्किन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखने में ठीक ठाक ये उतना भी मतलब ये नहीं है, चलने लायक है, बट आप लोग बताइए कि आपको ये जो बैकपैक की स्किन है वो आपको कैसा लगा और देखने में आपको कैसा लगता है। एंड जब बात करें ऐसे नेक्स्ट अपडेट की, तो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर से ये इवेंट जहाँ पर सबको ये वाला जो घंटी वाला टोकन है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा 2020 में, और कलेक्ट करने के बाद आपको ये जो MP40 का जो गन की स्किन है वो आपको परमानेंट मिलेगी। तो यहाँ पर से बहुत सारे इवेंट आपको न्यू ईयर के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ जितना से इवेंट अभी हम लोग गेम के अंदर उतना सही नहीं, यहाँ से आपको इससे ज़्यादा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यदि बात करें दूसरी सर्वर की, तो हम लोग के सर्वर पर जैसे हम लोग का अभी जो इवेंट चल रहा है तो उसमें हम लोग सर्वबोर्ड मिला, गन की बॉक्स मिल रहा है, उसके साथ इनक्यूबेटर का वाउचर मिल रहा है, और नहीं क्या बोलते डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर, और साथ ही साथ जो इवोल्यूशन स्टोन है वो हम लोग को मिल रहा है ब्लू प्रिंट। तो यहाँ पर अदर सर्वर में आपको जो रसिया की बात करते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इन लोगों को मैजिक क्यूब दिया गया है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर से ब्लू प्रिंट इंपॉर्टेंट रखता है, उसी तरह से उन लोगों को मैजिक क्यूब इंपॉर्टेंट रखता है, तो हम लोगों को भी मैजिक क्यूब इंपॉर्टेंट रखता है, बट ब्लू प्रिंट भी सही है भाई चलने लायक है। तो हम लोग के यहाँ पर से ब्लू प्रिंट दिया गया, बट उन लोगों के सर्वर पर मैजिक क्यूब दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा
कि मैजिक क्यूब सबसे ज़्यादा अच्छा है या फिर हम लोग का ब्लूप्रिंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को जहाँ तक लगता है आई थिंक मैजिक क्यूब में कुछ खास बंडल नहीं है, जोकर बंडल ये सब जो था ये वगैरह वगैरह बहुत सारा बंडल यहाँ से हटा दिया गया है, अगर इन्होंने हटा दिया है तो अभी जो बंडल है मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास अभी दो मैजिक क्यूब पड़ा हुआ बट मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ। तो बस आज के मैंने इतना से ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।